शर्त कहने के लिए एक माँ की आवश्यकता होती है, और भाव है भारत माता। जो भारत माता की जय बोलेगा वही है हमारा सहोदर भाई। और माता से अलग हो गई है, चाहे नानक की जन्मस्थली ननकाना हो, चाहे वह जगत गुरु भगत सिंह सुखदेव की समाधि स्थल हो, आज हमसे जो वह हमारी थी आज हमसे अलग हो गई है। क्या प्रोग्राम था, क्या उद्देश्य था इसका, किस तरीके से क्या करें? विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंगदल के बैनर तले अखंड भारत का कार्यक्रम किया जाता है। विश्व बजरंगदल के माध्यम से युवाओं के बीच एक जन जागरण का माध्यम हर वर्ष हम लोग अपनाते हैं। यह कार्यक्रम हर वर्ष होता है। यह अखंड भारत है जो 14 अगस्त 1947 को भारत माता का जो विभाजन हो गया था वह राजनीतिक विभाजन था, सांस्कृतिक विभाजन। हमारा तमाम सांस्कृतिक धरोहर, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति वहाँ पर आज भी है, इसलिए हम उसको राजनीतिक बंटवारा मानते हैं। हमारे इसलिए यह जो है अखंड भारत हो, इसके बीच में हर वर्ष जागरण करते हैं। इस वर्ष भी त्यौहार के रूप में लेकर के, चूँकि कश्मीर के अंदर राष्ट्रवाद की एक राष्ट्र एक निशान के अंतर्गत जो संघ विचार परिवार वर्षों से मांग करता चला आ रहा था, वह 370 केंद्र की सरकार और राज्य केंद्र की सरकार ने हटा करके यह बहुत बड़ा एक बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को शुभकामना भी है। और जो क्षेत्र छूटे हैं उनमें क्या? वह जो है एक कदम उस अखंड भारत की ओर चल पड़ा है, इसकी तस्वीर सामने दिखाई पड़ रही है। आज यह देश, यह प्रयाग महानगर का युवा बड़ी मात्रा में सिविल लाइन चौराहे पर अखंड भारत के कार्यक्रम में उपस्थित होकर के यह दिखा भी दिया कि अब यह समाज का जागरण हो रहा है। इसी प्रकार से बजरंग दल के बैनर तले इसको विशेष और भी त्यौहार के रूप में अखंड भारत को मनाने का कार्यक्रम हर वर्ष करेंगे, यह भी किया है। मुकेश, प्रांत संगठन मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। आप अखंड भारत मनाने क्या मंगवाए पूरा देश तो 13 और 14 अगस्त की रात में आज़ादी के पूर्व 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत के टुकड़े कर दिए गए। उस समय हमें देश में जो हमें आज़ादी मिली वो अधूरी आज़ादी थी, और उस हमारे जो अखंड भारत का स्वरूप था उस स्वरूप को पुनः जीवित करने के लिए हम लोग प्रतिवर्ष ये संकल्प लेते हैं कि हमारा भारतवर्ष फिर से अखंड भारत बनेगा, और जो भूभाग हमसे निकल गया है हमारा भूभाग फिर से हमारे देश में सम्मिलित होगा, अखंड भारत का स्वरूप हमारे फिर से मिलेगा। क्या किया आज, क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने यहाँ पर भारत माँ के अखंड स्वरूप को यहाँ पर लगा करके उस पर आरती की उनकी, और उस स्वरूप को पुनः जीवित करने के लिए संकल्प लिया। अपना नाम बताओ। अजय गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष अध्यक्ष।